हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सर? तो आज हम बेसन के चीला बनाने वाले हैं। तो मैंने एक बॉल लिया है और उसमें ये बेसन रखा है मैंने, एक कटोरी से कम है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। चलिए इसका घोल बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसका ये घोल तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करना है। मैंने ये कुछ धनिया पाउडर, ये थोड़ी हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सभी चीजों को मिक्स कर लेना है इस तरीके से, ये देखिए। तो दोस्तों, हमने एक पैन चढ़ा दिया है और ये पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ी सी ऑयल डाल लेते हैं। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो हम इसमें ये बैटर डाल देते हैं थोड़ी सी, ये देखिए इस तरीके से इसे हल्के हाथों से मिला लेते हैं। और इसमें ऊपर से ये प्याज और धनिया पत्ता जो हमने कट करके रखा है इसको ऊपर डाल देते हैं, ये देखिए। और इसे थोड़ा प्रेस कर देते हैं ताकि अच्छे से इसमें ये सेट हो जाए। दोस्तों देखिए, मैंने एक तरफ चाय भी बना रखी है, चीला के साथ हम लोग पीने वाले हैं चाय। तो इसे हम पलट लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है। और इसे भी इस तरीके से इस साइड भी पकाना है। तो इसे पलट के हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से सिक चुका है। चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हमारा चीला बनके तैयार है। ये देखिए कितने यम्मी लग रहा है खाने में दोस्तों। तो खाने में उतना ही मज़ा आएगा। तो आपको अगर अच्छी लगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।